दोस्तों ये नोकिया TA-1459DS नोकिया 105 मॉडल का मोबाइल है, और इसमें जो प्रॉब्लम है कि माइक वर्क नहीं कर रहा है, वाटर डैमेज की वजह से जो प्रॉब्लम इसमें आया था, लेकिन देखिए किसी शॉप पर गया था और इसका प्रॉब्लम जो है सही नहीं हुआ था, बल्कि और इसमें जो है छेड़ दिया गया सेट। तो इसको किस तरीके सही करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन गई है ये वाली हमारा जो है प्लस का हो गया, जो कि इस रेजिस्टेंस पर जाता है, और दूसरा जो हमारा इधर बगल से निकलता है इस वाले रेजिस्टेंस जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये देखिए ये प्लस वाला पॉइंट हो गया और ये वाला माइनस वाला, ठीक है। तो इसको जम्पर करने के बावजूद भी ये जो है इसमें माइक वर्क नहीं कर रहा था, आवाज़ नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि ये देखिए ये माइनस के लिए है और ये वाला प्लस वाला सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आप आगे देखिए इसका 1 2 3 4 सप्लाई गई है माइक के लिए। तो दोस्तों इसको करना क्या, आपको यहाँ पे देखिए अगर रेजिस्टेंस लगा था जो कि निकल गया है, तो अभी आपको करना क्या है कि यहाँ से माइक वाले प्लस से एक जंपर उठाना है और इसके जो है यहाँ पे इस वाले सिरे पर हमको जंपर कर देना है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस टूट गया है, ठीक है। या तो हमको यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट कर देना है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस कोई भी निकला होगा तो इसमें जो है माइक वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।